देख कुटुंब मोहे लुभाणा चल दिया नाल ना जाई। मनुख अपने परिवार नूं देख के उसके मोह विच फस जांदा है अते कदे ए नहीं समझदा कि जगत तो तुरन वेले किसी ने उसके नाल नहीं जाना। सतगुर सेव गुण निदान पाया तिसकी कीम ना पाई। जिस मनुख ने गुरु की शरण पै के गुणा का खजाना परमात्मा लभ लिया उसकी शोभा का मुल नहीं पै सकता। प्रभ सखा हर जियो मेरा अंते होए सहाई। प्यारा परमात्मा जो मेरा असल मित्र है अंत वेले जो सब साख साथ छड़ देंदे हन ता ओ साथी बनता है। पेयड़े जग जीवन दाता मन मुख पत गवाई। अपने मन के पिछे तुरन वाले जीव ने इस पेके घर विच उस परमात्मा नू विसार के जो सब दाता नू देन वाला है अपनी इज्जत गवा ली है। बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर ना काई। गुरु की शरण तो बिना कोई भी मनुख जीवन का सही रस्ता नहीं समझ सकता। माया दे मोह विच अन्ने होए मनुख नू कोई भी सहारा नहीं दिसदा। हर सुखदाता मन नहीं वसया अंत गया पछुताई। जिस मनुख दे मन विच सारे सुख देन वाला परमात्मा नहीं वसदा ओ अंत वेले इत्थों पछतांदा होया जांदा है। पेयड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया। जिन्हां मनुखां ने इस जीवन विच ही जगत दे जीवन दा तार प्रभु नू गुरु दी मत लै के अपने मन विच वसाया है अन दिन भगत करे दिन राती होमे मोह चुकाया। ओ दिन अते रात हर वेले उस प्रभु दी भगती करदे हन। ओ अपने अंदरों होमे अते माया दा मोह दूर कर लैंदे हन। जिस्यो राता तैसे होवे सच्चे सच समाया। ये कुदरत का अटल नियम है कि जिस दे प्यार विच असे रंगे जांदे हाँ उस वर्गा ही वह हो जाता है। भाव प्रभु दे प्रेम विच रत्ता होया मनुख सदा ही परमात्मा विच लीन रहिंदा है। आपे नज़र करे भाव लाए गुरसबदी बिचार। जिस मनुख उत्ते परमात्मा आप ही मेहर करता है उस दे अंदर ही वह अपना प्यार पैदा करता है अते वह मनुख गुरु दे शब्द दे राही परमात्मा दे गुणा दी विचार करता है। सतगुर सेविया सहज उपजे होमे तृष्णा मार। सतगुर दी शरण पै के होमे मार के अते माया दी तृष्णा नू मुका के आत्मक अडोलता पैदा हुंदी है। हर गुण दाता सद मन वसे सच रखिया उरता। जेड़ा मनुख गुरु दी शरणी पैंदा है सारे गुणा दा दाता परमात्मा सदा उसदे मन विच वसदा है। ओ मनुख उस परमात्मा नू सदा अपने हिरदे विच टिकाई रखदा है। प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए। ओ प्यारा परमात्मा सदा ही पवित्र स्वरूप रहिंदा है इस वास्ते पवित्र मन नाल ही उस परमात्मा नू मिलिया जा सकदा है। नाम निदान हर मन वसै होमे दुख सब जाए। परमात्मा दा नाम जो सारे गुणा दा खजाना है जिस मनुख दे मन विच वस पैंदा है उस दे सारे होमे अते दुख दूर हो जांदे हन। सतगुर शब्द सुनाया हो सद बलहारे जाओ। मैं उस भागा वाले मनुख तो कुर्बान जांदा हाँ जिस नूं सतगुरु ने परमात्मा दी सिफ सलाह दा शब्द सुना दिता है भाव जिस दी सुरती गुरु ने सिफ सलाह विच जोड़ दिती है। अपने मन चित कहे कहाए बिन गुर आपना जाई। बेशक कोई मनुख अपने मन विच अपने चित विच ए आखे कि मैं अपने अंदरों आपा भाव दूर कर लिया है होरना पासों भी यही अखवावे कि मैं आपा भाव दूर कर लिया है पर गुरु की शरण पैन तो बिना ये आपा भाव दूर नहीं हो सकता। हर जियो भगत वछल सुखदाता कर कृपा मन वसाई। परमात्मा अपनी भगती नाल प्यार करन वाला है जीवानू सारे सुख देन वाला है
जिस मनुख उत्ते वह कृपा करता है ओही उसनु अपने मन विच वसांदा है। नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वड़ियाई। हे नानक परमात्मा जीवानू गुरु की शरण पा के ही अपनी सिफसला वाली सुरत बख्शदा है अते फिर आप ही उसनू लोक परलोक विच सोभा अते वड़ियाई दिंदा है। श्री राग महला तीजा। ये बाणी श्री राग विच गाण की हिदायत दिती गई है अते ए बाणी धन गुरु अमरदास जी की उच्चारण की हुई बाणी है। होमे करम कमाव दे जमडंड लगे तिन आए। जेड़े मनुख मिथे हुए धार्मिक काम करते हैं अते ए होमे भी करते हैं कि असी धार्मिक काम करते हाँ उन्हां दे सिर उत्ते जम दा डंडा आके वजदा है। जे सतगुर सेवन से उभरे हर से तीलव लाए। पर जेड़े मनुख गुरु का आसरा लेंदे हन ओ प्रभु चरणा विच सुरती जोड़ के इस मार तो बच जाते हैं। मन रे गुरमुख नाम त्याए। हे मेरे मन गुरु की शरण पै के उस परमात्मा का नाम सिमर। तुर पूरब करते लिखिया तिना गुरमत नाम समाए। रहाओ गुरु की सिक्ख्या उत्ते तुर के ही उन्हां बंदियां दी परमात्मा दे नाम विच लीनता हुंदी है जिन्हां दे मत्थे उत्ते उस परमात्मा ने तुरों ही उन्हां दी पहले जन्म दी कीती नेक कमाई दे अनुसार लेख लिख्या होवे। बिन सतगुर प्रतीत न आवे नाम न लागो पाओ। गुरु की शरण पैन तो बिना मनुख दे मन विच ना तो परमात्मा वास्ते श्रद्धा पैदा हुंदी है ना ही परमात्मा दे नाम वास्ते उसका प्यार बनता है। सुपने सुख न पावे दुख में सवे समाए। अते नतीजा ये निकलता है कि उसनु सुपने विच भी सुख नहीं नसीब हुंदा वह सदा दुखा विच ही घिरिया रहिंदा है। जे हर हर कीचे बहुत लोची है किरतना मेटिया जाए। जे मनमुख ये बड़ी तांग भी करे कि वह परमात्मा का सिमरन करे ता भी इस तांग अते प्रेरणा विच सफलता नहीं हुंदी क्योंकि पिछले किते हुए जन्मा का प्रभाव मिटाया नहीं जा सकता। हर का पाणा भगती मन्या से भगत पए दर थाए। केवल भगत जन ही परमात्मा की रजा नूं प्रवान करदे हन वह भगत ही परमात्मा दे दर ते कबूल हुंदे हन। गुर शब्द दिड़ावे रंग स्यों बिन किरपा लिया ना जाए। गुरु प्रेम नाल अपना शब्द शरण आए मनुख दे हिरदे विच पक्का करदा है पर गुरु भी परमात्मा की कृपा तो बिना नहीं मिलता। जे सो अमृत नीरी है भी बिख फल लागे ताए। गुरु तो बेमुख मनुख मानो एक ऐसा दरख्त है जिसनों सौ बारी भी अमृत सिंचिए तामी ओ जहर दा ही फल दिंदा है। से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुर नाल प्यार। ओही मनुख सदा ले पवित्र जीवन वाले रहंदे हन जिन्हां दा गुरु दे नाल प्यार हुंदा है। सतगुर का पाणा कमाव दे बिख होमे तज विकार। ओ मनुख अपने अंदरों होमे दा जहर होमे दा विकार दूर करके गुरु दी रजा दे अनुसार अपना जीवन बितांदे हन। मन हट किते उपाय ना छूटी है सिमरत शास्त्र सोध्यो जाए। हे भाई बेशक तुसी शास्त्रां अते स्मृतियां नूं पढ़ के वेख लो अपने मन दे हठ नाल किते होए किसी भी तरीके नाल होमे दे जहर तो नहीं बच सकते। मिल संगत साधु उभरे गुर का शब्द कमाए। गुरु दे शब्द दे अनुसार जीवन बना के गुरु दी संगत विच मिल के ही मनुख होमे दे विकारां तो बच सकता है। हर का नाम निदान है जिस अंत न पारा वार। जिस परमात्मा दे गुणा दा कोई अंत नहीं है जिस परमात्मा दी हस्ती दा ना ही कोई उरला बन्ना है ना ही परला बन्ना उसका नाम सब पदार्थां दी गुणा दा खजाना है। गुरमुख सेई सोह दे जिन किरपा करे करता।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਔਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪੁਰਵਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।